गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है पावेश व्लॉग्स। तो मैं आया हूँ आज दिल्ली की चिड़ियाघर, जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे जानवर। और यहाँ पे मैं बताऊँगा क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जैसे कि पार्किंग की हुई, खाने की फैसिलिटी। यहाँ की स्टार्टिंग में जैसे आप एंट्री करोगे वहाँ पर पार्किंग है, टिकट है। मैंने अभी दिखाया था आपको बोर्ड, वहाँ पर जैसे ही आप एंटर करोगे वहाँ पर जूलॉजिकल पार्किंग का एक बोर्ड लगा हुआ है। एंट्री करते ही वहाँ से आप फोर व्हीलर या टू व्हीलर ला सकते हैं अंदर आप यहाँ पे। उसकी पार्किंग चार्जेज जो है टू व्हीलर के वो 30 हैं आई थिंक, और फोर व्हीलर के हैं 80 में भी। सामने पार्किंग से आप निकलोगे, यहाँ पर फूड कोर्ट है, लेकिन पता नहीं आज वेडनेसडे बंद है, यूजली खुला रहता है। जैसा कि मैंने बताया दो स्लॉट्स हैं अवेलेबल, सुबह 8:30 से 12:30 और दोपहर को 12:30 से 4:30। और बाकी इसके बाद मैं बताता हूँ, यहाँ पे जैसे आपको बैगेज लाते हो तो यहाँ पे क्लॉक रूम भी मिल जाता है, यहाँ पे आप रख सकते हो बैग, उसके 10 रुपये चार्ज लगते हैं। बाकी यहाँ पे पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे मेरी एंट्री है। तो आज वेडनेसडे आप देख रहे हो भीड़ भी बहुत कम है, अगर वीकेंड्स पे आप आओगे तो आपको टिकट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टिकट प्राइस की बात करते हैं तो टिकट जो एडल्ट का है वो 80 है और बच्चे की बात करें वो 40 है। जैसे आप एंट्री करोगे चेकिंग करा के, उसके बाद आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा यहाँ पे। आपने देखा बोर्ड लगा हुआ है आई लव दिल्ली जू, तो यूजली जैसे सिटीज़ में लगा रहता है आजकल के आई लव दिस सिटी एंड ऑल, तो यहाँ पे भी एक लगा हुआ है आई लव दिल्ली जू। एंट्री करते ही आपको मिल जाएगा वो। ये आप देख रहे हो ई रिक्शा हैं, जहाँ पे आपको जैसे आप आते हो तो लगभग 50 से 100 मीटर आगे चलना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे ई रिक्शा मिल जाते हैं। लेकिन इनके चार्जेस हैं, मैं आपको वो चार्जेस दिखा देता हूँ, वो आप पेमेंट ऑनलाइन या कैश जैसे भी चाहो वैसे कर सकते हो। जैसे आप प्राइस देख रहे हो यहाँ पे, ये प्राइस है एडल्ट का 70 है, चाइल्ड का 30 है, ये चार्जेज हैं इसके। एक साथ मिलते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहाँ पे आप देखो इस टाइप के बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ पे नीलगाय हिरण, इस टाइप के बोर्ड आपको मिल जाएंगे। इसके बेसिस पे आप डायरेक्शंस के फॉलो करके और आप उन जानवरों को यहाँ पे देख पाएंगे। इस मैप के बेसिस पे भी आप इसमें ट्रैवल कर सकते हो, जा सकते हो और देख सकते हो जानवरों को यहाँ पे जाके। जानवर है यहाँ पे, नील गाय बोलते हैं आई थिंक इनको, शुतुरमुर्ग। कितना लंबा होता है, हाइट इसकी देखो। बाघ, मैं कई बार आया हूँ यहाँ पे लेकिन अगर पहली बार देख रहा हूँ कि ये जो बाघ खुले में बैठा हुआ है यहाँ पे, कितना प्यारा लग रहा है यार ये। रॉयल बंगाल टाइगर, जानवरों को देख लगता है इनकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं, कोई खटखट नहीं, मस्त खाना पीना और सो जाना और लोगों का मनोरंजन करना। इनको देख के बड़े प्यारे लगते हैं, अगर आप इनको देखोगे सामने से तो बड़े प्यारे लगते हैं आपको। ये भालू सामने, खेलने लगा हो उससे।
पता नहीं घास में क्या ढूंढ रहा है। मैंने देखा रीच, रीच में अगर देखोगे वहाँ पे तो ना उसका चेहरा समझ में आ रहा है कि चेहरा किधर है, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था देखने में, जमीन में खाने लग रहा था कुछ ना कुछ। धुआ पता नहीं क्या चाटने लग रहा है। अबे गेंडे थका हुआ पड़ा है, हाँ चल ही नहीं पा रहा, कभी भालू हो गया फिर। ये फीमेल है शायद ना, व्हाइट टाइगर सामने ही रहा। चलो ये सामने हाथी अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं लोग। यहाँ पे आप अकेले आते हो ना कम से कम 2 घंटे चाहिए चाहिए, अगर फैमिली के साथ हो तो 3-3.5 घंटे आराम से आप लग जाते हैं, क्योंकि बड़ा ही बहुत है ये, और यहाँ पे जानवर बहुत सारे हैं देखने के लिए। यहाँ पे जो सांप का घर है वो बंद है, रीज़न बिहाइंड वो बताते हैं, सर्दियों में सांप जो अंदर घुस जाते हैं उसकी वजह से वो खुलते ही नहीं है, तो वो मार्च या अप्रैल में जाके वो दोबारा से फिर से खुलेगा, फिलहाल के लिए वो बंद है सर्दियों की वजह से। घोड़ा लाइट वर्क देखो कितने प्यारे प्यारे हैं यार, वाइट और गोल्डन है। मास्क क्रोकोडाइल ये 2 हैं, लेटे पड़े हैं आराम फरमा रहे हैं। क्या चाहिए गाड़ी में भी चल रहे हैं, यहाँ से निकल के चल रहे हैं गाड़ी में।
गणेश शेर देखने आए थे यहाँ पे लोग, मैं भी आया था, लेकिन जब जब मैं यहाँ पे आया हूँ शेर मुझे सोता हुआ मिला है। आज तो दिखाई नहीं, पता नहीं कौन से कोने में लेटा हुआ है वो। बाकी और देखने कौन से जानवर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक मोर यहाँ पे बैठा हुआ है, दोनों ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, सफ़ेद और काला। कितना प्यारा है, रेड एकदम। ये ग्रीन है प्रॉपर। नीला पीला मकाओ जल्दी ये चले जाएगा, तो ये उल्टा भी आ रहा है। यहाँ पे जब मैं एंट्री कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं, इतनी प्यारी लगती हैं यहाँ पे देखने में। आपको दिखाता हूँ, देखो जेब्रा फिंच, ये देखो आप, कुछ वहाँ पे बैठी हुई कोने में। गोल्डन फीजेंट कितनी प्यारी लग रही है ना। सिल्वर फीजेंट, आओ आओ आओ।
मुझे सबसे बेस्ट ये लगते हैं वाले तोते। ने ये देखो बहुत दिनों बाद देखने को मिला है यहाँ पे पोटमस खुले में, अदरवाइज पानी में बैठे रहते हैं, दो हैं, दिखाता हूँ आपको। ये गहरा है यहाँ पे पानी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ज़्यादातर जानवर मुझे जगते हुए मिले हैं शेर के अलावा, यूजुअली मुझे सोते हुए मिलते हैं हमेशा। आज देख रहा हूँ सारे जानवर ऑलमोस्ट हिप्पोपोटामस भी बाहर निकले पड़े दो आज। स्पॉटेड डियर लोमड़ी नहीं, डर जाते हैं, भाग जाते हैं, मारते नहीं। चलो चलो गाड़ी भी रोक लो। बहुत सारे हैं रहने पे डर। इडली डोसा शाम बैठा है। लंगूर मैं यहाँ 2 बजे के राउंड आया था, अभी हो रहे हैं 4। 4 तब हुए जब मैंने इतनी स्पीड से कैप्चर किया सब कुछ। अगर मैं स्लोली स्लोली कवर करता तो शायद ही कवर ना कर पाता और बंद हो जाता जू। तो उससे पहले मैंने 2 घंटे में सब कुछ कवर कर लिया है। ये था ब्लॉग दिल्ली जू का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।